हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी के लिए आ चुके हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया था 6 अगस्त को। सेकंड होगा, हाल ही में किसने इंडिया एट द रेट 100 को लॉन्च किया है? तो उसे किया है पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड हो जाता है, तो ये किया है फिजिस्तान के लोगों ने, जिसे हम फिजी भी बोलते हैं। हाल ही में NCW ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो वो शुरू किया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का निधन हुआ है? तो वो हुआ है इंग्लैंड के जो पूर्व बल्लेबाज थे ग्राहम थॉर्प, उनका निधन हो चुका है। हाल ही में किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाइका वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो किया है NIT कालीकट। नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? तो वो होंगी मनु भाकर, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लिया था उन्होंने। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो बांग्लादेश का जो हिंसा हुआ था उसके अंदर मणिपुर के में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो अनुमान लगाया गया है 7.5% का। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट यहाँ पे होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो वो किया गया है कर्नाटका में। नेक्स्ट होगा, हाल ही में कहाँ की विधानसभा ने अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया है? वो किया है गोवा में। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। धन्यवाद।